एटीएम बदल कर ठगी करने वाले ठगी की गैंग का देहरादून पुलिस ने खुलासा किया है। रायपुर पुलिस ने ऐसे 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को इस मामले में एसएसपी देहरादून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि भोले भाले लोगों को जाल में फंसाकर एटीएम बदल कर यह ठगों की गैंग ठगी घटना को अंजाम देते रहे। देहरादून पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल सहित कई राज्यों में ठगी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को कामयाबी मिली है। इसी के साथ 77 एटीएम पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किए हैं। एसएसपी देहरादून जनमेंजय खंडूरी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। पटेल नगर का केस है, हमारा एक डंपर यहां से चोरी हुआ था जिसमें हमारे द्वारा पुलिस की विभिन्न टीमों का गठन किया था। तो हमारे जो टीमें हैं उनके द्वारा लगभग 250 से ऊपर सीसीटीवी कैमरा वो देखे गए और एक ट्रेल बनाई गई। ट्रेल में एक गाड़ी दिखी जो कि ब्रेजा थी, उस कार को भी फॉलो किया गया क्योंकि जो जिस दिन जिस रात को ये घटना हुई थी उस रात को डंपर को फॉलो करती हुई एक कार भी दिखाई दी थी। तो उसके माध्यम से हमारी टीमें आगे बढ़ती गई और दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली में हमको अपना जो डंपर है वो बरामद हुआ है और उसके साथ 2 अभियुक्तों की हमारे द्वारा गिरफ्तारी की गई है। जब उन दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारी डिटेल्स बताई कि किस तरीके से वो रात को रेकी करते थे और मास्टर की से डंपर को खोलकर चोरी करके ले जाते थे। दौरान पूछताछ इनके द्वारा यह भी बताया गया था कि पूर्व में इनके द्वारा विकास नगर में भी एक डंपर को चोरी किया था और चोरी करके डंपर को ले जाकर दिल्ली में किसी स्थान पर बेचा गया था। आगे पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि जिसने डंपर दिल्ली में बेचा था वो कोई और था। उस अभियुक्त की भी तलाश अभी जारी है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जब गिरफ्तार होगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी क्योंकि अभी विकास नगर वाला डंपर बरामद नहीं हुआ है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा कोई सिम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके द्वारा ज्यादातर कॉल्स इंटरनेट के माध्यम से की जाती हैं और वो भी जहां पर वाईफाई अवेलेबल होता है वहां पर वाईफाई यूज करके इनके द्वारा इंटरनेट कॉल्स की जाती हैं। इनके ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। अभी तक हमने हरिद्वार और देहरादून के लगभग मिलाकर अराउंड 8-9 मुकदमे इनके खिलाफ हमें मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी इन पर मुकदमे दर्ज हैं जो कि तहकीकात के दौरान पता किए जाएंगे। इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी।